22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और हर पूरे देश में जो है इस वक्त जो है वो राममय हो चुका है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ सेक्टर 40 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सुंदर महिला सुंदर कांड सभा की जो महिलाएं हैं यहाँ पर जो है काफ़ी महिलाओं ने जो है चंडीगढ़ गवर्नर को जो है एक जो है एक लेटर भी लिखा है और उसमें उन्होंने गुजारिश की है कि जिस दिन 22 तारीख को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस दिन जो है चंडीगढ़ में मीट की दुकान हो या अल्कोहल की दुकान हो या बीड़ी सिगरेट की दुकान हो उन्हें बंद रखा जाए और उस दिन जो है पूरे चंडीगढ़ में जो है वो दिए जलाए जाएंगे और बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो है यहाँ पर लगाई जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलश भी जो है एक कलश यात्रा भी जो है उनकी तरफ से जो है यहाँ पर निकाली जाएगी। तो हमारे साथ जो यहाँ पर महिलाएं हैं उन्हीं से जानते हैं कि उस दिन का क्या कार्यक्रम है। ये बताइए कि क्या आपकी डिमांड है और क्या कार्यक्रम आपने किया है। हमारी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि 22 जनवरी को पूरे देश में पूरे विदेश में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बहुत उत्साह और बहुत उमंग है। हर के दिल में एक अजीब सा उत्साह है वो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो हम सोचते हैं कि गवर्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि उस दिन कम से कम एक दिन की मांग कर रहे हैं हम, रोज़ की मांग नहीं करते हैं, एक दिन की मांग है कि उस दिन वाइन शॉप मीट शॉप और सिगरेट शॉप जो है एक दिन के लिए प्लीज़ इसको बैन कर दीजिए ताकि जो राम भगत है वो जो उस दिन 22 तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके मतलब एक अलग से उमंग है ना उसको और बढ़िया बनाने के लिए एक उस हमारी भावनाओं को एक और अच्छा मतलब हमारी जब मीट वगैरह होगी दुकानें तो हमारी भावनाएं आहत होगी तो उसका एक और भी अच्छा हम रंग में रंग जाएंगे। तो ये माने और क्या आपकी ओर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं? हमारी ओर से महिलाओं की संस्था होने के उपलक्ष्य में हमारी आपको पता है घर में कोई शुभ कार्य होता है तो महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और नए नए आइडिया क्रिएट करती हैं। तो हमारी महिलाओं की संस्था होने के नाते हम लोगों ने 3 दिन का एक भव्य प्रोग्राम रखा है। 20 जनवरी को हम भव्य कलश यात्रा निकालने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लगभग 500 महिलाएँ उसमें भाग लेने वाली हैं। और 21 जनवरी को मोदी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि 5 दिए जलाने लेकिन हमने 11,000 दिए जलाने उस दिन 21 जनवरी को हम स्वागतम जय श्री राम करके उसके ऊपर हम रंगोली बनाई जाएगी को बहुत बड़ी रंगोली बनेगी 31 फुट की रंगोली बनेगी और उसके हम 11,000 दिए जलाने जा रहे हैं। 4 से 5 शाम को प्रोग्राम रहेगा और 22 जनवरी को तो सुबह से ही प्रोग्राम शुरू हो जाएगा हवन कीर्तन जेबो और 3 बजे सामूहिक सुंदरकांड का पाठ शुरू होगा इसी आंगन में और उसके बाद हनुमान चालीसा संकट मोचन के बाद थोड़े से भजन और महाआरती भव्य महाआरती की जाएगी और 5.25 क्विंटल लड्डू का भोग एक ही लड्डू बनाएंगे बहुत सारा बड़ा क्योंकि हमारे हनुमान जी के लड्डू पसंद है उनके इष्ट का प्रोग्राम है तो नेचुरली और बड़ा हमने लड्डू 5.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगाएंगे। जो भगत हनुमान धाम में आएगा उसको एक एक गदा और एक एक ध्वज राम जी की ओर से ध्वज हनुमान जी की ओर से गदा और मंत्रों से उच्चारण की हुई इसको सिद्ध की हुई ये हम सब भक्तों को देने वाले हैं उपहार के रूप में प्रसाद के रूप में। तो जय श्री राम। अपना नाम बता दीजिए पूरा जी। मेरा नाम नीना तिवारी है मैं इस आंगन मतलब महिला सुंदरकांड सभा की मैं सेविका हूँ प्रधान हूँ छोटी सी। आप बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं कि पूरे देश भर में जो है राम भक्त जो है अलग अलग तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं तो चंडीगढ़ में आप किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं? जय श्री राम। देखो चंडीगढ़ में या कहीं भी शहर में सब माहौल एक उल्लास भरा है सब चाहते हैं कि राममय हो जाएं। इस दिन कम से कम शराब मीट और मांस की दुकानें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने मन को पवित्र रखते हैं उसी तरह से हम स्थान को पवित्र रखें और यहाँ कार्यक्रम करें अपने। तो आपकी ओर से एक भजन भी तैयार किया गया है वो क्या भजन है जो अभी आप कुछ देर पहले जो है सुना रहे थे वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए जरा किस तरह का भजन है। तो थोड़ा Bye.
चंडीगढ़ जो है मैं जो है इस वक्त जो है इसी तरह का जो है वो नज़ारा जो है आपको देखने को मिलेगा और पूरा देश इस वक्त जो राममय हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन बलानिया चंडीगढ़।